हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नमिता किचन कॉर्नर। मैं नमिता और आज मैं आप लोग के साथ पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये इंडियन स्टाइल में बना हुआ पास्ता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और स्वादिष्ट ये बहुत ज्यादा लगता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले पास्ता को बॉईल कर लेंगे। 1 लीटर पानी एक बर्तन में डाल देंगे। देन हम उसमें 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डाल देंगे और इस पानी को हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। पानी हमारा बॉईल होने लगा है, अब हम इसमें एक बड़े बाउल जितना पास्ता को डालकर बॉईल कर लेंगे। पास्ता को बॉईल होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेंगे। इसे हमें 90% कुक करना होता है, पूरा नहीं कुक करना होता है। तो अब हमारा ये पास्ता कुक हो गया है 90%, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। पास्ता के बॉईल होने के बाद हमने पास्ता को गर्म पानी से छानकर बाहर निकाल लिया और ठंडे पानी से धो लिया है। तो अब चलिए हम पास्ता को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन को हम गर्म करेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें बारीक कटे हुए ऑनियन स्लाइसेज को डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसके बाद हम इसे चला लेंगे। प्याज को हमें ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना होता है, इसे एक बार चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए गाजर 1/4 कप डालेंगे। देन हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक कटे हुए बीन्स और इन सबको हम चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे, 5-6 सेकंड के लिए। सब्जियों को हमने 5 से 10 सेकंड तक चलाते हुए पकाया था, अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो को और टोमेटो को हम मिला लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने 1 बारीक कटे हुए टोमेटो को डाल दिया है, अब हम इसमें थोड़ी से नमक डालकर मिला लेंगे। नमक डालकर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। हमारी सब्जियां भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, अब हम इसमें 1 कप कैबेज को डाल देंगे, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी को। देन 1/2 कप शिमला मिर्च को डालेंगे। ये दोनों सब्जियों को हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और पास्ता में हमें सॉफ्ट सब्जियां नहीं चाहिए होती हैं, थोड़ी क्रंची रहती हैं तभी अच्छी लगती हैं। तो हम इसे एक बार चलाकर मिला लेंगे करीब 5-6 सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। इंडियन फ्लेवर लाने के लिए हमें इसमें गरम मसाला डालना होता है, तो हम यहाँ पे 2 छोटे चम्मच से गरम मसाला डाल देंगे। देन हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसे मिला लेंगे। गरम मसाला को हमने डालकर मिला लिया है, अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि सारे मसाले कोटेड ना हो जाए। और इस टाइम हम गैस के फ्लेम को लो रखेंगे, लो या फिर मीडियम रखेंगे। तो हमारी सारी सब्जियां इसमें अच्छे से मिल गई हैं और मसाले भी अच्छे से कोटेड हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी और नमक डाल देंगे। पहले भी हमने इसमें थोड़ा नमक डाला था, इसलिए हम थोड़ी सी नमक ही ऐड करेंगे। पास्ता को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाला था। नमक डालकर अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब सबसे आखिरी में हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। यहाँ पे हमने और किसी भी सॉस का यूज नहीं किया है, केवल टोमेटो सॉस का ही यूज किया है। तो हम इसमें 1/2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डालकर मिला लेंगे। अब हमारा ये पास्ता बनकर तैयार हो गया है। ये सच में बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। बहुत ही कम सामान में ये हमारा इतना स्वादिष्ट पास्ता बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी इसे जरूर बनाएं, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्लेट में हम इसे सर्व कर लेंगे और ऊपर से थोड़े से और टोमेटो सॉस डाल देंगे, जिससे ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा। तो बहुत ही कम सामान में ये हमारा पास्ता बनकर इंडियन स्टाइल में तैयार हो गया है। आप लोग भी इसे इंजॉय कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।